हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के लिए। टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। जैसा कि आप जानते हैं कि जब दो समान आवेशों को एक दूसरे के समीप लाते हैं तो आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, तथा जब दो विपरीत आवेशों को एक दूसरे के नजदीक लाएंगे तो क्या होगा, उनमें आकर्षण होगा। मतलब कि जब दो आवेशों को एक दूसरे के निकट अथवा दूर ले गए तो दूर ले जाने पर हमने जो कार्य किया वो कार्य ही उस निकाय में क्या हो जाता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, माना सपोज हमारे पास, यदि हम मानते हैं कि दो निकाय हैं, दो आवेश हैं, वे परस्पर एक दूसरे से अनंत दूरी पर है, एक आवेश यहाँ पे है और एक अनंत दूरी पर है, तो दोनों की जो स्थितिज ऊर्जा होती है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, उसको शून्य मानते हैं। तो आप इसको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किससे कहते हैं उसको समझेंगे। देखिएगा कि माना हमारे पास एक बिंदु आवेश है Q1। ठीक है, ये बिंदु आवेश है, ये Q1 है, ये A पर है। दूसरा जो बिंदु आवेश है, ठीक है, वो है Q2 बिंदु P पर। ठीक है, इनके बीच की दूरी है R। अब इस हम ये मानेंगे ये जो बिंदु B है, ये Q2 जो आवेश बिंदु B पर है, ये यहां पे नहीं था पहले, कहां पे था, अनंत पे था, और अनंत से हम इसको यहां पे लाए। ये मानना है कि ये यहां पे था, अनंत इनफाइनाइट यहां पे था, यहां से इस बिंदु Q2 आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाए। ठीक है, तो हमने कहा कि जब आवेशों को क्या करते हैं, एक दूसरे के नजदीक ले जाते हैं या दूर ले जाते हैं, तो जो हमें कार्य करना पड़ता है वही कार्य ही उस निकाय में की क्या हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो हमने डिफाइन करना है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किससे कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई। ठीक है, बिंदु आवेशों का जो निकाय है, बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर है। ठीक है, जो उन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसके बराबर होता है। ठीक है, किसी बिंदु मतलब उसकी जो वर्तमान स्थिति है, मतलब उस अनंत आवेश को हम अनंत से उस आवेश को हम अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, मतलब एक जो वर्तमान स्थिति है उस स्थिति तक लाने में हमें जो कार्य करना पड़ा वही कार्य ही उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है, संचित हो जाती है। तो एक बार पुनः डिफाइन करूंगा कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किससे कहेंगे, बिंदु आवेशों का वह निकाय जिसमें आवेशों को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य ही उसमें क्या हो जाती है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उसकी क्या हो जाती है, संचित हो जाती है। ये आप इसको हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब दूसरा जो हमारे पास होगा कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। माना सपोज हम देखेंगे कि माना हम इसको जो हमने फिगर में किया कि माना ए बी निर्वात में अथवा वाई में दो बिंदु आवेश रखे गए हैं, बिंदु ए और बिंदु बी पर Q1 और Q2 दो आवेश रखे गए हैं, जिनके मध्य एक दूसरे से क्या है, r दूरी पर है। ठीक है, और हमने ये दिखाना है कि अनंत से हम इस Q2 को बिंदु बी पर लाए, हमने यहाँ पे कार्य किया। ठीक है, और वही कार्य ही उस निकाय में क्या हो जाती है, उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जा रही है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, बिंदु ए पर Q1 आवेश के कारण बिंदु बी पर
किसकी परिभाषा के अनुसार? विभव की परिभाषा के अनुसार क्यू वन आवेश के कारण बिंदु बी पर विभव हो जाएगा, क्यू वन आवेश के कारण बिंदु बी पर विभव विभव किसके बराबर हो जाएगा? प्रति एकांक आवेश को अनंत से किसी डिस्टेंस r दूरी पर किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होगा उस कार्य के बराबर हो जाएगा। मतलब प्रति एकांक आवेश को अनंत दूरी से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, समझ रहे होंगे। मैंने कहा कि Q1 आवेश, क्योंकि Q1 आवेश बिंदु A पर है, Q1 के कारण बिंदु B पर जो विभव होगा V होगा वो किसके बराबर होगा? कि बिंदु आवेश को या प्रत्येकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ा, यहां से यहां तक लाने में जो कार्य करना पड़ा सपोज, वो क्या कहलाएगा आपका? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वो दोनों कार्य क्या होंगे? बराबर होंगे। वो दोनों कार्य बराबर होंगे तो ये हो जाएगा आपका भी बिंदु Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर जो विभव होगा वो भी होगा। भी बराबर क्या हो जाएगा आपको पता है, जैसे कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, किसकी बात कर रहे हैं? क्यू वन के कारण, क्यू वन बटे आर। क्लियर है? दूसरा जो हमारे पास होगा, हमने क्या करना है कि चूंकि आवेश हमारा कहां है, माना लेटस कंसीडर आवेश कहां था? अनंत पे था, क्यू टू आवेश। इसको किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है, मतलब इस अनंत से किसी बिंदु तक, बिंदु आवेश क्यू टू को अनंत से किसी बिंदु बी तक लाने में जो किया गया कार्य होगा, क्यू टू को, क्यू टू आवेश को, क्यू टू आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W बराबर W किसके हो जाएगा? क्योंकि क्या होता है, V बराबर W बटे Q, इसलिए Q बराबर हो जाएगा Q इंटू V इंटू Q बराबर W, कार्य बराबर V इंटू Q। अब किसके कारण, किस आवेश को कह रहा हूं मैं? मैंने कहा Q2 कहां पे था पहले? अनंत पे था। अनंत से किसी बिंदु तक लाने में कार्य करना पड़ा तो एक निकाय बना और वही निकाय में उसकी स्थिर ऊर्जा क्या हो जा रही है, वही कार्य क्या हो जा रहा है, स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जा रहा है। मीन्स कार्य डब्ल्यू बराबर हो जाएगा वी इंटू क्यू टू। क्लियर है? अब ये हो जाएगा, इसलिए डब्ल्यू बराबर हो जाएगा वी, क्या हो जाएगा? वी हमने निकाला बिंदु ए क्यू वन आवेश के कारण बिंदु बी पर वैद्युत विभव हो जाएगा 1/4πε0। ठीक है, क्यू बटे क्यू वन बटे आर इंटू क्यू टू। ठीक है, तो ये जो है ये हो जाएगा ये हो जाएगा कार्य हो जाएगा कार्य बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R। यही क्या है? स्थितिज ऊर्जा, इसको U से डिनोट करते हैं, कैपिटल U से। यही जो है क्या हो जाएगी? स्थिति वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। मैंने क्या कहा एक बार पुनः आप समझेंगे, मैंने कहा कि बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो आवेशों को अनंत से, उस आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में या वर्तमान स्थिति में लाने में जो कार्य
करना पड़ता है उस कार्य के बराबर ही क्या हो जाती है, उसकी स्थिति से ऊर्जा हो जाती है। मतलब जो कार्य किया वही कार्य उस निकाय की स्थिति ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यू बराबर डब्लू, ठीक है, 1.45 U1 = R। अब देखिएगा क्या होता है कि जब आवेश, एक चीज देखिएगा, ये आवेश प्लस है और ये आवेश प्लस है, जब दो आवेशों को एक दूसरे के हम क्या करेंगे, नजदीक लाएंगे, एक दूसरे के क्या करेंगे, नजदीक लाएंगे, एक दूसरे के नजदीक लाएंगे, तो इनमें क्या होगा, समान आवेशों में क्या कहा मैंने, प्रतिकर्षण होगा। तो प्रतिकर्षण होगा मतलब हमने बाह्य बल लगाना पड़ेगा, बाह्य बल लगाना पड़ेगा इसको नजदीक लाने के लिए। ठीक है, तो नजदीक लाने के लिए तो वहां पे वैद्युत स्थिर ऊर्जा क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, वहां वैद्युत स्थिर ऊर्जा क्या हो जाएगी, धनात्मक। जब बाह्य बल उधर को लग रहा है, हम बल के विरुद्ध क्या कर रहे हैं, उनको नजदीक ला रहे हैं, निकट ला रहे हैं, तो यहां पर जो स्थिर ऊर्जा हो जाएगी वो धनात्मक होगी। दूसरा, यदि ये धन है और ये क्या है, ऋण है। ठीक है, अब इन बिंदु आवेशों को हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे दो, ये समान आवेश थे, ये विपरीत आवेश है, इनको क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के नजदीक ला रहे हैं, तो क्या हुआ, आकर्षण हुआ इनमें, और आकर्षण हुआ तो आकर्षण के कारण जो बल आकर्षण हुआ, कार्य हमें इसमें क्या होगा, इसकी वैद्युत स्थिर ऊर्जा क्या होगी, जो कार्य करना पड़ेगा ये कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यहाँ पे स्थिर ऊर्जा क्या हो जाएगी, इसकी ऋणात्मक होगी। ये समझने वाली बात है इसमें। इसके अलावा बिंदु आवेशों को, यदि हमारे पास बिंदु आवेशों का युग्म है, दो या दो से अधिक बिंदु आवेश हैं, तो उनको हम, चूंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वैद्युत स्थिर ऊर्जा एक अधिक राशि है, और इसको हम बीज गणित के योग के रूप में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो माना हमारे पास दो बिंदु, दो या दो से अधिक यदि बिंदु आवेश हों, दो या दो से अधिक बिंदु आवेश हैं, तो उनको क्या करेंगे, एक ये है और दूसरा हमारे पास ये है, Q1, Q2 और तीसरा बिंदु आवेश यहाँ पर रखा गया है, उसको नाम दे दीजिएगा Q3, एक दूसरे को। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसके बीच की डिस्टेंस हम मानेंगे R1, R12, R23, ठीक है, और ये हो जाएगा R13, ये इनकी डिस्टेंस हो जाएगी, मतलब Q1, Q2 के बीच, R12 Q2 Q3 के बीच R23 और Q1 Q3 के बीच R13। तो इनके जो, इनको हम क्या करेंगे, वैद्युत स्थिर ऊर्जा का जो है, इनको जो है प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत स्थिर ऊर्जा होगी, जो होगी उनको क्या करेंगे, उनको बीजगणितीय तरीके से हम उनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो कार्य, कुल कार्य क्या हो जाएगा, कुल कार्य होगा इन दोनों के बीच जो कार्य हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4π0। ठीक है, तो कॉमन हो गया। ठीक, Q1 Q2 इन दोनों के बीच होगा, तो Q1 Q2 / R12 प्लस Q3 हो जाएगा, तो इसको हम करेंगे R23। ठीक है, प्लस Q1 हो जाएगा, ये हो जाएगा R13। इस तरीके से हम इनको क्या करेंगे, इनका बीजगणित योग हम इस तरीके से कर सकते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं, या हम इसको, हमने जो लिखा, इसको हमने जो लिखा, इसको हम लिख सकते हैं। यदि हमारे पास क्या होंगे, n आवेश होंगे, आवेशों की संख्या क्या होगी, n होगी, तो हम इसको करेंगे W बराबर, ये हो जाएगा समेशन i बराबर 1, ठीक है, n है, और फिर जो है हमारा जेट, ये जे इज ग्रेटर देन 1 के, i और j समझ रहे हैं, ये डिफरेंट होंगे, आई और जे, ये हो जाएगा आपका, ये कुल मिलाकर के ये हो जाएगा 1/4π0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका Q j / R j। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, जहां पर जो है क्या हो जाएगा, आई और जे इसलिए लिया गया है कि आई जे मतलब ये क्या है, अलग अलग, यदि ये 1 होगा ये समान नहीं हो सकते हैं, ये क्या नहीं होगा, समान नहीं हो सकता। यदि हम इसको आई को 1 लेंगे, जे को क्या लेंगे, 2, जे इज ग्रेटर देन 1 के,
थ्रू लेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है इन विद्युत स्थित ऊर्जा का हम बीजगणितीय योग कर सकते हैं। ठीक है, तो जो है आज का जो टॉपिक है वो था हमारा विद्युत स्थित, जो बहुत इम्पोर्टेंट है और ये जो है परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाता है। इसलिए जो है मेरे मुझे लगता है कि आपकी समझ में आया होगा और इसका प्रयास कीजिएगा एक बार पुनः नोटबुक में करने का, घर में प्रयास जरूर कीजिएगा, तभी आपको ये आएगा। धन्यवाद।